యిర్మీయాహ అధ్యాయ 10 యిర్మీయాహ అధ్యాయ 10 व्यवस्था के अनुसार चलने की वाचा का बांधा जाना। जिन्होंने छाप लगाई वे ये है, अर्थात हकल्याह का पुत्र नहमायाह जो अधिपति था, और सिदकियाह, सरायाह, अजरियाह, इर्मियाह, पशहूर, अमरियाह, मलकियाह, हत्तुश, सबन्याह, मल्लुक, हारिम, मरेयोत, ओबद्याह, दानियल, गिनतोन, बारुक, मशुल्लाम, अबियाह, मियामीन, माजाह, बिलगे और शमायाह, यही तो याजक थे, और लेवी ये थे। आजाह न्याह का पुत्र यीशु, हेनादात की संतान में से बिन्नई और कदमियल और उनके भाई शबन्याह, होदियाह, कलिता, पलायाह, हानान, मीका, रहोब, हशब्याह, जक्कूर, शेरेब्याह, शबन्याह, होदियाह, बानी और बनीन। फिर प्रजा के प्रधान ये थे, परोश, पहतमुआब, एलाम, जत्तू, बानी, बूनी, अजगाद, बेबई, अदुनियाह, बिगवे, आदीन, आतेर, हिचकियाह, अज्जुर, होदियाह, हाशुम, बेसे, हारिफ, अनातोत, नौबई, मकपियाश, मशुल्लाम, हेजीर, मशेजब्याल, सादोक, यद्दू, पलत्याह, हानान, अनायाह, होशे, हनन्याह, हशुब, हल्लोहेश, पिल्ला, शोबेक, रहुम, हशबना, माशियाह, अहियाह, हानान, आनान, मल्लुक, हारिम, बाना और शेष लोग अर्थात याजक, लेविय, द्वारपाल, गवये और नतीन लोग, निदान जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे। उन सबों ने अपनी स्त्रियों और उन बेटों बेटियों समेत जो समझने वाले थे अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे, और हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न व बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और सातवें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने कृण की वसूली छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए एक एक तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्न बलि और नित्य होम बलि के लिए, और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों के बलिदानों और पवित्र भेंटों और इसराइल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए निदान अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेवीय, क्या साधारण लोग, हम सबों ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रतिवर्ष में ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे, और अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं अर्थात
पहलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं, और अपना पहला गूंधा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटे और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाखमधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि लेवीय वे है जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं, और जब जब लेवीय दशमांश ले तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं उनमें इसराइली और लेवीय अनाज नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटे पहुंचाए, निदान हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे।